डायबिटीज मधुमेह से पीड़ित मरीजों को अक्सर हाई शुगर लेवल की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें कमजोरी और चक्कर आने की समस्या भी आती है। ऐसे में आइए बोकारो के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश पाठक से जानते हैं कि इसके क्या घरेलू उपचार है। ये डायबिटीज जो है, जिसको हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, ये कॉमन बीमारी हो गई है। ऑलमोस्ट हर घर में आपको एक न एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित मिलेंगे। खासकर जो आज से जो नए बच्चे हैं, जन्म ले रहे हैं, अगर फादर मदर डायबिटिक हैं तो जनरली चांस होता है कि वो भी डायबिटिक ही होंगे। मधुमेह का तो लोग दवाइयां लेते ही हैं मार्केट से, तो वो तो अलग चीज़ हो गया, वो आपका डायरेक्ट आपका इंसुलिन बनने में मदद करता है। लेकिन हम कुछ घरेलू उपचार बताएंगे, खासकर आपका करी पत्ता जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है उसमें, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इसलिए अगर मॉर्निंग आवर में ज़्यादा नहीं 10 से 12 पत्ता करी का लिया जाए, कुछ नीम का पत्ता ले लिया जाए 10-12 पत्ता, कुछ सदाबहार का पत्ता या उसका फूल लिया जाए, और उसमें अगर 5 ग्राम मेथी दाना मिलाकर अगर उस मिक्सी में रोटेट कर दें अगर, और सुबह शाम अगर हाफ हाफ कप उसका जूस निकाल के पिया जाए, तो डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी और दवा है। इसलिए आप इसको हमेशा लीजिए। और खासकर जिनका जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो इंसुलिन पे टिके हुए हैं, उनके दिमाग में रहता है कि पता नहीं मेरा इंसुलिन कब बंद होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। और उन लोग का जब आप ये देखिएगा, तो आपके लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक कराइए, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई होती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है। तो लोगों के लिए सबसे बढ़िया एक आपका चटनी है, जिसको आप दोपहर में बना के सेवन कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं, लहसुन का 3 से 4 टली ले लीजिए, उसमें 2 पीस आप आंवला डाल सकते हैं छिलका निकाला हुआ, उसमें आप एक हरी मिर्च छोटा 1 डाल दीजिए, और नमक का मात्रा एकदम अपने स्वादानुसार हल्का सा डालिए, और 4 से 5 बूंद आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं उसमें। सबको मिक्स मिला करके आप उसका काढ़ा टाइप या चटनी बना लीजिए, दोपहर का भोजन तुरंत बाद उसको लीजिए, और जब आप शाम में 2 घंटे के बाद जब चेक करेंगे तो देखिएगा आपका शुगर लेवल काफ़ी घटा हुआ होता है। इसलिए इस चटनी का सेवन जरूर करें, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है।